अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बेहद ही ज़बरदस्त नुस्खे के साथ में। दोस्तों, बहुत छोटी सी वीडियो है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें जिरयान की शिकायत है, या सूरत इंजाल की शिकायत है, या इतलाम की शिकायत है। नफ्स में ढीलापन है, सख्ती नहीं आती है, मर्दाना कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा उम्र है, उसके बाद में दवाई खा रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है, बहुत छोटी सी वीडियो है और जल्दी ही ख़त्म करूँगा। दोस्तों, नुस्खे में सबसे पहली चीज़ सनामकी है, या आपको 2 तोला लेनी है, फलकी कर 3 तोला लेनी है आपको इसके अंदर। उसके बाद में आपको सफ़ेद मूसली लेनी है, ओरिजिनल सफ़ेद मूसली, या आपको 2 तोला लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको छोटी इलायची लेनी है इसके अंदर 5 ग्राम। उसके बाद में आपको बड़ का दूध लेना है, इसमें इसकी 22 बूंदे ले लें आप इसके अंदर, ठीक है, 20 से 22 बूंदे आप ले लें। उसके बाद में कुस्ते कली है 3 ग्राम, आपको कुस्ते कली लेनी है इस नुस्खे के अंदर। उसके बाद में कुस्ते फौलाद है, ये 5 ग्राम लेना है आपको। कुस्ते नुकरा जो है, ये आपको लेना है इसके अंदर 3 ग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है और इनका अलहदा अलहदा सफ़ूफ़ बनाना है, ठीक है। सफ़ूफ़ आप जैसे बनाना चाहें ऐसे बना लो, ठीक है। उसके बाद में आपको इसके अंदर क्या करना है, शहद मिलाना है, ठीक है। इसका माजून बनेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलाना है, कैसे बनेगा, ठीक है। आप देखिए, इसके अंदर जब आप इसका अलग अलहदा अलहदा पीस लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो इसमें ये शहद मिला करके आपको ऐसा माजून दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको ऐसा माजून तैयार करना है। इसका जो इस्तेमाल करना है, सुबह में 1/2 चम्मच लेना है आपको, खाना खाने के बाद में, नाश्ते के बाद में, और शाम को भी नाश्ते के बाद में 1/2 चम्मच नीम गर्म दूध से। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, इस्तेमाल करिए, कमेंट में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।